मैं हूं श्रुति पनवर और आप देख रहे हैं प्रेस टीवी। और तो विद्या जो है, क्योंकि माँ है, अरमान की माँ है, रोहित की माँ है, लेकिन उसे अभी लगता है कि अरमान जो है वो बड़ा बेटा है, वो समझ जाएगा। और अभी विद्या को जो है उसको अपना ध्यान पूरा रोहित की तरफ रखना है, बिकॉज उसको ज़्यादा ज़रूरत है, वो ज़्यादा ज़ख्मी है। तो उस वजह से वो लोग, रूही और ये लोग बाहर डेट पे जाते हैं और वहाँ पता चलता है कि उसी रेस्टोरेंट में अरमान और अबीरा भी आ गए हैं और वो इस वजह से वापस आ जाते हैं, तो उनकी डेट जो है वो पूरी नहीं हो पाती। और यहाँ मैं जाकर अरमान और उनको समझाती हूँ कि भाई तुम बड़े हो घर के, अबीरा को बोलती हूँ तुम इस घर की बड़ी बहू बनने वाली हो, तो तुम लोग का फ़र्ज़ है कि तुम छोटों का ख्याल रखो, और तुम लोग क्यों उल्लंघन कर रहे हो उनकी खुशियों में। तो यहाँ वो थोड़े शॉक्ड हैं कि माँ ऐसा क्यों बोल रही हैं। मुझे भी, शायद विद्या को भी कहीं ना कहीं लगता है कि वो ऐसा क्यों बोल रही है, लेकिन उसे ये भी पता है कि रोहित को अभी ज़्यादा ज़रूरत है और ये दोनों बड़े हैं, ये समझ जाएंगे अरमान और अबीरा। हर बात में तुमसे मुकाबला करने की क्या जरूरत है? सबकी गलत फहमी हो गई है, वरना ये जान के थोड़ी ना मरी और वही तो देश खराब करते हो लोग। फिर से मासा जो है वो नाराज़ हैं और अपना गुस्सा दिखा रही हैं अबीरा और अरमान की तरफ, क्योंकि रूही ने एक और मौका दिया अपनी शादी शुदा ज़िंदगी को एक अलग मुकाम पे लाने का। वो छोड़ के चली गई थी लेकिन अभी वो वापस आ गई है, रोहित को एक और मौका देना चाहती है। बट एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव। आप इतना हमें प्यार देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं कि हम और अच्छा करें, वायर KKH और अच्छा करें, और हम कर भी रहे हैं। बहुत अच्छे कलाकार हैं यहाँ पर, आप लोग बहुत अच्छे दर्शक हैं जो बहुत लॉयल हैं, 15 साल से हमारे साथ जुड़े हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर बींग देयर फॉर अस।